मैं पहले तो अपना आभार व्यक्त करता हूं आप सभी को और मंच पर विराजमान सभी एमएलए, मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा कैंडिडेट और मेरे पहले आपके यहां से लोकप्रिय विधायक गुलाम रब्बानी साहब, सबको मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आप सब जो आज इस रैली में आके हमारा हाथ, हमारा साथ, हमारे इस लड़ाई में अपने आप को शामिल करके दीदी के साथ अपना लड़ाई में खुद को शामिल करके बंगाल का जो लड़ने का ताकत है, जज्बा है, जुनून है, उसको और मजबूत आप लोगों ने किया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से उतरने के समय में देख रहा था पूरा रास्ते में लोग हैं। जितना लोग आज सभा में आए हैं इसका दुगना लोग हेलीपैड में है और इससे ज्यादा लोग रास्ते में है। ये मैदान छोटा पड़ गया। अगली बार जब मैं ग्वालपोखड़ में आऊंगा तो रब्बानी भाई को बोलूंगा कि बड़ा मैदान का इंतजाम करो, लोगों का जिस तरीके से प्यार मोहब्बत हम लोगों को आज मिला है। पहली बार रायगंज लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार जीतने जा रहा है। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इतने दिन से यहां पे कांग्रेस का सांसद रहा, 2014 तक। उसके बाद सीपीएम का सांसद रहा 5 साल। पिछला चुनाव में 2019 में हमारे यहां से उम्मीदवार वो जीत जाते, खाली लोगों को गुमराह करके सीपीएम और कांग्रेस ने, मोहम्मद सलीम ने 1,83,000 वोट काटे और कांग्रेस की तरफ से दीपा दासमुंशी 83,000 वोट काटे। आप मिला दो 83,000 और 1,83,000, दोनों मिला के 2,66,000 होता है। ये वोट अगर तृणमूल के पास आता तो तृणमूल का सांसद रायगंज को मिलता। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को गुमराह करके यहां पे सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार 2019 में बीजेपी का हाथ मजबूत किया है। बीजेपी का तरफ से जो जीता, जो सांसद बना, 5 साल आप आम नागरिक का लो बात छोड़ दो, रायगंज लोकसभा का आम आदमी का बात छोड़ दो, मां बहन भाई बंधु का बात छोड़ दो, कोई बीजेपी का नेता भी उसको देखा नहीं 5 साल। अभी वो चली गई दक्षिण कलकत्ता में लड़ने के लिए, उसको करारा जवाब दक्षिण कलकत्ता में मिलेगा, आप निश्चित रहो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाला 26 तारीख, आज 20 तारीख हो गया और 6 दिन का बात है भाई, 2 नंबर बटन इतनी तेज और इतना जोर दबाना है कि झटका जाके सीधा दिल्ली में लगे, भूकंप दिल्ली में आना चाहिए। जो हमेशा बंटवारे की बात करे, जो हमेशा हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, दंगा फसाद में लगे रहे, आने वाला 26 तारीख मोदी कहता है 400 पार, मैं कहता हूं 400 पार नहीं, 440 का झटका लगना चाहिए 4 जून को। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो आपका वोट लेके आपके ऊपर जुलुम अत्याचार करे उनको सबक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे बताइए, 5 साल में
बीजेपी का सांसद खुद 2 साल मंत्री रहे, 5 पैसे की काम दिल्ली से गोवालपखोर के लिए, इस्लामपुर के लिए, चाकुलिया के लिए, कालियागंज के लिए, रायगंज के लिए, हिमताबाद के लिए लाए क्या? लाए क्या? उनको आप देखे क्या? देखे? मैं आपको कहता हूं, कल पहली चरण का चुनाव था, आपने देखा? कुछ बिहार में चुनाव हुआ, अलीपुर द्वार में चुनाव हुआ और जलपाईगुड़ी में चुनाव हुआ। बांग्ला विरोधियों का घर में कल कुचबिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी की मां भाई बहने बंगाल विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इनका घर में घुस के। 26 तारीख मौका आपका है, जो जिस भाषे में समझे उसी भाषे में जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, कभी आपसे आके 5 साल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम का एक नेता पूछा कि आपको मकान मिला या नहीं, आपका परिवार में कोई दिक्कत है या नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं? जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, कितने भाई बाहर फंसे हुए थे। कोई यहां का एमपी हो या बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का कोई नेता हो, एक बार फोन करके दूसरे राज्यों से हमारी मां बहन जो बाहर काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण जो फंस गई थी, उनको वापस लाने के लिए एक भी कदम उठाया क्या? नहीं उठाया। उठाया? मैं आपको कहता हूं, इस देश में 1600 पॉलिटिकल पार्टी है। कितना पार्टी है? 1600। एक पार्टी जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ता है वो है तृणमूल कांग्रेस। ये इसलिए है क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद हम इनसे डरे नहीं, इनके आगे झुके नहीं। हम झुकेंगे तो ईश्वर के सामने झुकेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, भगवान के सामने झुकेंगे, माता पिता के सामने झुकेंगे, बुजुर्गों के सामने झुकेंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। आप देखो दूसरे राज्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ लड़ाई है, वहां कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, और बंगाल में उल्टी गंगा बह रही है, बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के तृणमूल आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, उनको जिस भाषे में समझ में आए उस भाषे में जवाब देना हम जानते हैं। आपको अगर तोड़ने मरोड़ने और पार्टी तोड़ने की राजनीति समझ में आती है तो तृणमूल को भी समझ में आती है। आप तृणमूल को कमजोर मत समझिए। हमने कृष्ण कल्याणी को खड़ा किया क्योंकि ये बीजेपी से आया, संग संग इसका घर में आईटी रेड हुआ, 2 दिन तक इनकम टैक्स का रेड चला, फिर भी ये झुके नहीं, ये लड़ता रहे। जो आदमी आपका प्यार भरोसा लेके आने वाला दिन इन दरिंदों के साथ लड़ता है, उनको जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब देखो वो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया, संग संग उसका घर में इनकम टैक्स पहुंच गया। और जिन लोगों को भाई कैमरा में पैसा लेते हुए लोग देख रहे हैं, वो घर में बैठे हुए, वो घर में बैठे हुए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं, आने वाला 26 तारीख आपका समय है। कहावत है, 100 सोनार की, 1 लोहार की। 5 साल आपके साथ जुलूम, अत्याचार, गद्दारी, बेईमानी,
ये बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम के बंगाल के लोग करते रहे कि नहीं करते रहे। अब 26 तारीख आपका समय है, इसलिए कह रहा हूं खाली तृणमूल को जिताने से बात नहीं बनेगी। और मैं ये गुलाम रब्बानी भाई को भी कहता हूं, वो बड़े फकर से कह रहे थे कि मैं 70,000 से जीता हूं, आपका मार्जिन भी इस बार ग्वालपखोर का लोग समर्थन देके उससे ज्यादा मार्जिन से तृणमूल का प्रार्थी और कृष्ण कल्याणी को जिता के बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। क्या सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? बीजेपी के नेता कहते हैं हम एनआरसी करेंगे, मैं कहता हूं भाई आपका हिम्मत है तो बंगाल में करके दिखाइए। जब तक हम बैठे हैं खड़े हैं, कोई बंगाल का एक आदमी में एक बंटवारा नहीं कर सकता। किराएदार है जाकी मकान थोड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, आप तृणमूल को जिताए हैं बंगाल में, भाई हम सरकार सत्ते में आए हैं आपका काम करने के लिए, मालिक आप हुए, किराएदार तृणमूल हुआ। उसी तरीके से पूरा देश में मालिक जनता है। मैं समझ लिया बीजेपी सत्ते में है, केंद्र की सरकार चला रहे, मालिक आप नहीं हो, किरायादार हो, मालिक जनता है, जनार्दन है। मैं इसलिए कह रहा हूं किरायादार है जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। भाई ये देश हमारा है, जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। इसमें बंटवारे का राजनीति का कोई जगह नहीं है। जो सोचता है हम बांट के बंटवारा करके लोगों को गुमराह करके भाई को भाई से लड़ा के दंगा फसाद करा के जोर जबरदस्ती सत्ता में आएंगे, उनका ये सपना सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि बंगाल के लोग एकता में मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कल जो चुनाव हुआ सभी सीटों में तृणमूल की उम्मीदवार जीतने जा रही है। आने वाला 26 तारीख आपका समय है, एक ही बार मिलेगा, फिर पता नहीं ये लोग देश में अगर जीत गए तो चुनाव करने देगा या नहीं। आपका अधिकार समझने के लिए आपको मौका मिला है 26 तारीख को। इस वोट में खाली सांसद नहीं चुना जाएगा, ये वोट आपका तय करेगा देश में 2027 में राष्ट्रपति कौन होगा। आपका अधिकार आपको आने वाला समय में मिलेगा या नहीं। आप देखो दूसरे प्रदेशों में जहां पे लोग लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करके कहीं कोई पार्टी को चुन रहे हैं, ये ईडी सीबीआई का गलत व्यवहार करके सरकारें गिरा रही है, उखाड़ रही है। इसीलिए आने वाला दिन ऐसे वोट देना है कि 5 साल का गद्दारी बेईमानी का जवाब इन लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं मैं आज यहां पे आया हूं, इसके बाद मैं इटाहार जाऊंगा। मैं नवोजुआर के समय भी उत्तर दिनाजपुर में 3 रात बिताए थे। मैंने बोला था पंचायत में आप जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते हो हम लोग उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। आपका सजेशन, आपका जो भी सुझाव थे हम वो सुझाव लिए और उम्मीदवारों को पंचायत में खड़ा किया। आपने एक तरफा तृणमूल को जिताया। इस बार रायगंज लोकसभा से 3 लाख वोट से कृष्ण कल्याणी को जिताना है। और मैं आपको वादा करके जाता हूं
कि यहां के विकास और तरक्की का जिम्मेदारी मैं अपना कंधे में आज आप सबके सामने उठा के लेके जा रहा हूं। कुछ भी चाहिए होगा हमारी मामाटी मानूस, बंगाल की सरकार, दीदी की सरकार, तृणमूल की सरकार करेंगे। आवास के लिए 3 साल से आप लोगों ने अप्लाई किया। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने सभा करके बोला था कि आवास में केंद्र की सरकार राज्य को 1000 करोड़ रुपया दिया है। मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अगली बार आप जब बंगाल में आइएगा तब हाथ में एक कागज लेके आइएगा कि पैसा आपने 3 साल में कितना दिया। आज 36 दिन हो गए, 10 पैसा का कोई प्रूफ बीजेपी का कोई नेता जनता के सामने रख नहीं पाई। 16 तारीख बीजेपी की रैली थी, यहां पे देश के प्रधानमंत्री आए, कागज दिखाया क्या? और आपसे कागज मांग रहे कि सीए का नाम पे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे जो खुद ही कागज दिखाने लायक नहीं है वो 140 करोड़ जनता से कैसे कागज मांग सकता है? आपके पास कागज है तो आप दिखाइए, कोई मना तो नहीं कर रहा है, पर आप कागज दिखा नहीं पा रहे क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी यहां से जीतेगा तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। मेरी माए बहने जो यहां पे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए? चाहते हैं? बीजेपी का कूचबिहार के एक नेत्री 2 दिन पहले कहा है कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए। आप बताइए, इनको जवाब मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी, क्या क्या भाव था तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने का, गैस का, दूध का, आटा का, दाल का, नींबू का, चाय पत्ती का, आज क्या भाव है? 110 रुपए का चाय पत्ती आज 280 रुपया केजी है। ये अच्छे दिन का उदाहरण है। आपने देखा कभी ये सीए एनआरसी के टाइम जब बीजेपी हर एक जगह पे जाके धमका रहे थे, चमका रहे थे, कांग्रेस के एक नेता आके यहां पे आपके पास खड़ा होके बोला कि मैं आपके साथ हूं, आप फिक्र मत करो। दीदी आई, दीदी खड़ा हुआ, वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो। और कोई नेता नेत्री देश में ऐसा नहीं है जिसका हिम्मत है, ताकत है, दम है, सीने में कलीजा है, बोल के दिखाए कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरा सरकार है मैं करने नहीं दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है लोगों का। हम लोग बोले हैं तो करके दिखाए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम डराएंगे, चमकाएंगे, धमकाएंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। आप बंगाल को उत्तर प्रदेश मत समझिए, आप बंगाल को गुजरात मत समझिए, आप बंगाल को राजस्थान मत समझिए, मध्य प्रदेश मत समझिए। यही गलती आपने 2021 साल में किया। और मैं जनता, मेरा भाई, मेरा माए, मेरी बहनें, दोस्त, माताएं, बुजुर्गे जो आज सभा में आए हैं, मैं आपको खाली कहना चाहता हूं, आपके एक वोट में इतना ताकत है जो केंद्र की सरकार को अपने सत्ते से उखाड़ के फेंक सकता है और नया सरकार बिठा सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरा एक वोट में क्या ताकत है, मैं वोट दू ना दू क्या फर्क पड़ेगा। भाई आप वोट नहीं दोगे तो फायदा बीजेपी को है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप देख रहे हो 5 साल लेके हो बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको गुमराह करने के लिए खड़ा हुआ है उनको वोट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस और सीपीएम का जो कैंडिडेट है उसको अगर वोट जाए फायदा किसको है? किसको फायदा है? किसको फायदा है? यह बात तो आपको समझ में आती है।
आती है। आपने पिछला बार देख लिया, आप वही देखो 21 का विधानसभा में आपने तृणमूल को जिताया, तो ये रायगंज का 9 सीट में से 7 सीट में तृणमूल कांग्रेस जीत के आए और आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और बाद में रायगंज से कृष्ण कल्याणी भाई भी हमारे साथ आ गए, तो 9 में 8 सीट तृणमूल जीती हुई है। यही पे अगर 3 कांग्रेस जीतता, 2 बीजेपी जीतता, 4 तृणमूल जीतता, किसका हाथ मजबूत होता? आप बताइए किसका हाथ मजबूत होता? जहां पे कांग्रेस के साथ बीजेपी का लड़ाई है वहां कांग्रेस टक्कर दे पा रहा है क्या? आप 5 साल में मुझे कह सकते हो कि एक बीजेपी का सांसद, एक बीजेपी का विधायक बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गया या सीपीएम में गया है? बोल सकते हैं? इन लोगों की हिम्मत नहीं है। हम लोगों को इतना डराया, धमकाया, चमकाया, ईडी, सीबीआई, घर परिवार, माँ बच्चों, बीवी, किसी को नहीं छोड़ा, फिर भी आज सर ऊंचा करके लड़ रहे। दिल्ली का कुत्ता बनने से बेहतर रॉयल बंगाल टाइगर बन के जिए, सर उठा के जिए, सर उठा के जिए, सर झुका के जीने से बेहतर सर उठा के मरो, सर उठा के लड़ो, सर उठा के सबक सिखाओ। और 26 तारीख सर उठा के वोट देके बीजेपी को सबक सिखाओ। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? सर उठा के अपना वोट खुद जाके देना और सर झुका के हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद आपकी सेवा करेगा, ये गारंटी मैं आज आपको देके जाता हूं। 2 शब्द कह के गर्मी बहुत हो रही है, 3 बजने को आ रहे हैं, आप लोग 12 बजे से मुझे फोटो मिल रहे हैं व्हाट्सएप में, मैं देख रहा हूं सब आके बैठे हुए हैं। आप 3 लाख वोट से जिताइए। अभी अप्रैल का 20 तारीख है, मैं जून में 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, जून में यहां पे आऊंगा आप लोग के साथ चुनाव का जीत का नतीजा मनाने, आप लोगों के साथ कंधे में कंधा मिला के यहां पे विजय रैली निकालूंगा, मैं आप सबको बोल के जाता हूं। लेकिन सब ठान लीजिए, अपना मन बना के एकदम ठान के आने वाला 26 तारीख, चाहे कुछ भी हो, गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़े, फिर भी ये समझ लेना कि 5 साल के बाद मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, ये एक ही बार मिल रहा है। मैं 4 बात कह के आज का सभा समाप्त करूंगा। है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो एक भाई को एक भाई से लड़ाए और हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, उन विरोधियों का अब धूमधाम से 4 तारीख जनाजा निकलना चाहिए। सबको एक बार धन्यवाद कहके, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके आज सभा यहीं समाप्त करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोर से बोलिए जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला, जय बंगला। दोनों हाथ उठा के गले में जितनी ताकत है, आवाज है भाई, दिल्ली हिलना चाहिए ना, हिलाएंगे कि नहीं? चलिए तेज बोलिए, जोर से बोलिए जय बंगला, 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 जय बंगला। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार।